चलो करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आज क्या क्या खबर दिन में प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? जी देखिए, आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दोनों ही पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में लग चुकी है। नामांकन फार्म भरने का दौर भी जारी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल, नर्मदापुरम और दमोह दौरे पर रहेंगे। बैतूल में भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली है, उसमें शामिल हुए। उसके बाद में फिर जो होशंगाबाद में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दर्शन चौधरी को बनाया है, वह उसमें भी उनकी जो नामांकन रैली है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद में फिर दमोह जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है और कांग्रेस भी जो अपने प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के नामांकन रैलियों में शामिल हो रही है, चाहे जितेंद्र सिंह हो, विवेक तन्खा हो, अरुण यादव हो, पीसीसी की जीतू पटवारी हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों के जो नामांकन फार्म है उनकी जो रैलियां हैं उनमें शामिल हो रहे हैं। इधर जो बीजेपी की मैनोफेस्टो की जो आज मीटिंग है वो दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में आपको बता दें मध्य प्रदेश से दो लोगों को मैनिफेस्टो जो समिति है उसमें शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। तो इसी के तहत शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे और मैनिफेस्टो समिति की जो बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में नर्मदापुरम के लिए निकल गए हैं, क्योंकि नर्मदापुरम में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दर्शन सिंह आज नामांकन अपना भरेंगे तो ये फ्लिप करने जाएंगे, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में रहेंगे और नामांकन जो रैली है रैली में शामिल होंगे। इधर जो कलेक्टर है तो कलेक्टर अपनी आदर्श आचार संहिता के तहत कहा जाए लगातार कार्रवाइयां जारी है और यहां पर सख्ती भी बरती जा रही है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, तो चेकिंग अभियान के तहत जो लोग कहा जाए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी राम नाम के मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरी हुई है और इस मुद्दे को लेकर के अब उसके जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो घर जाएंगे और राम नाम की पुड़िया लेकर के मतदाताओं तक जाएंगे और राम मंदिर का जो मुद्दा है उसे लेके जाएंगे, जिसे बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हाथ बदलेगा हालात नाम से लेकर के कहा जाए कि अपना आने वाले समय में कैंपेन चलाएगी और इसको लेकर के वह भी उसके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे। फिलहाल तैयार हो चुके हैं दोनों ही पार्टियों को, अब जल्दी ही ये धरातल पर उतरने वाले हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान में जो पार्टियां हैं पार्टियों की जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अब अपने फार्म फ्लिप कर रहे हैं और ऐसे में जो जैसे दूसरा चरण है, दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है फिर जो नामांकन फार्म जमा करने का, तो जो दूसरे चरण में जहां जहां से प्रत्याशी हैं वो आज अपने नामांकन जमा कर देंगे। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।